नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और ये सेशन में हम थोड़े से और प्रश्न और उत्तर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने थोड़े प्रश्न और उत्तर लिए थे। अब इस सेशन में देखते हैं कौन से हमें प्रश्नों के उत्तर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। ये मैंने जब सेशन लिया था तब आपको बताया था कि आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे डेकची के हत्थे, विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इन्होंने स्पेसिफाई करा है ना, तो ये जो मेलेमाइन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अग्निरोधक होता है और ये अन्य प्लास्टिक की तुलना में बेहतर गर्मी को सहन कर सकता है, इसलिए डेकची के हत्थे बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने डेकची के हत्थे का बताया कि ये हमारा जो प्लास्टिक है, और यहाँ पे हमने नाम भी दे दिया इसका। तो ये एक अच्छी चीज है, अगर आप इस टाइप से आंसर लिखेंगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा। फिर हम देखते हैं जो बेकेलाइट है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये गर्मी और विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमने ये इन्होंने तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बस एक कॉमन वर्ड करा था, लेकिन इसकी भी जो सब कैटेगरीज है उनका भी हमने नाम देकर अपने आंसर को एक अच्छे फॉर्म में बना दिया। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जिनको आप ध्यान रखिए। फिर हमारा जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, मैं वर्गीकृत करूं। ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये आपके, देखिए आप प्रश्न का उत्तर तो दे रहे हैं लेकिन आपको जब आप घर में ये चीजें यूज कर रहे हैं तो आपको एक समझ भी मिलेगी कि कौन से पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और कौन से पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ आपके ये सारे नाम है, टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौना, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, ये आपके सारे उदाहरण है। तो हम पहले देखते हैं प्लास्टिक खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियों को पुनः चक्रित किया जा सकता है क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक है। अब अगेन आपको एक टिप मिल रही है आंसर की। यहाँ पे उन्होंने बस हमसे यह पूछा था कि कौन से पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, कौन से नहीं चक्रित किए जा सकते। हमने इसमें आपको एक उसमें, क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक है, ये हमने इसलिए आपको लिखकर बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी आपसे ये प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि ये कौन से पुनः चक्र किए जा सकते हैं क्यों। अगर आपसे ये पूछें तब आप उसका लिए आपको एक आंसर में वो पता चल गया कि आपको लिखना होगा थर्मोप्लास्टिक। और अगर इसको आप थोड़ा और समझाना चाहें कि थर्मोप्लास्टिक का क्या क्वालिटी होती है तो आपका वो पूरा एक आंसर बन जाएगा। तो अगर क्यों करके पूछा गया है तो आपको ये उसमें क्वालिटी बतानी पड़ेगी कि थर्मोप्लास्टिक का क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। टेलीफोन उपकरण, कुकर के हत्थे, इलेक्ट्रिकल स्विच को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और हमने ये देखा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है, जब एक बार उनको एक ढांचे में ढाल दिया जाता है फिर उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जब हम कबाड़ कुछ ऐसा बेचते हैं तो वो कुछ तो सामान ले लेते हैं कि क्योंकि जो कबाड़ी होते हैं वो रिसाइकलिंग जो यूनिट्स होती है वहां एक अपने सामान को देते हैं क्योंकि वो चीजें रिसाइकल हो जाती हैं। लेकिन कुछ सामान वो कहते हैं ये तो किसी काम का नहीं है, इसको तो कचरे में फेंको। इसका मतलब है वो रिसाइकल नहीं हो सकता है। तो इसलिए कभी आप देखेंगे तो वो एक, अगर आपके स्विच बेकार हो गया है या आपका कुकर का ऐसा हत्ता कुछ बेकार हो गया, वो आपको सिंपल एक डस्टबिन में ही डालना होता है, आप कबाड़ी में उसको नहीं बेच सकते। उसका रीजन समझ में आ गया। तो आपको एक चीज और पता चली कि हम जो कबाड़ जो हम एक बेच रहे हैं वो एक रिसाइकलिंग, जैसे हम न्यूज़पेपर बेचते हैं तो वो न्यूज़पेपर जो होता है वो रिसाइकलिंग में चला जाता है। तो
एक और चीज आपको पता चली। अब हमारा जो आज का दूसरा प्रश्न है, राणा गर्मियों के लिए कमीजा खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजा खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। अभी गर्मियों में कमीज खरीदनी है, अब सोचिए सूती या रेशमी। सूती लेंगे ना, कारण क्या है, चलिए आंसर से पता करते हैं। अब जब ये ग्रीष्म काल है, गर्मी है, तो सूती कमीजा खरीदने की सलाह दी जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि सूती कमीजे पसीने को अवशोषित कर लेती है। जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया था ना, जो वो सूती जो होता है वो अपने अंदर पानी को एक एब्जॉर्ब कर लेता है और पसीने का वाष्पीकरण करने में वो सहायता करता है, जिससे हमारा शरीर ठंडा होता है। तो हम अगर सूती कपड़ा पहने होते हैं और हमारे शरीर पर पसीना आ रहा है, तो क्या होगा, ये सूती कपड़ा वो पसीना अपने अंदर ले लेगा, तो हमारा जो स्किन है वहां से पसीना हट गया। तो जब वो एक इवोपरेशन हुआ, जब पसीना हटा, तो हमें ठंडक मिलती है। और अक्सर देखा होगा जब आप ग्रीष्म काल में जब आप बाहर खेल कर आए हैं, या आप कहीं बाहर से आए हैं, स्कूल से आए हैं, मार्केट से आए हैं, तो आप अपने कपड़े को उठाते हैं ऊपर और कोशिश ये करते हैं कि आपके शरीर को हवा मिले, और फिर आप अपनी जब शर्ट उतारते हैं तो दिखाते हैं, देखो उसमें कितना पसीना है, लेकिन वो ही सिंथेटिक कपड़ा, उसमें पसीना नहीं मिलेगा। तो अगर आप जब ये सेशन देख रहे हैं, गर्मी है, तो इसको ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए आगे अपना देखते हैं। तो ये हम देखते हैं, ये जो है पसीने का वाष्पीकरण करने में सहायता करती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। जबकि जो संश्लेषित कमीजें होती हैं, उनमें क्योंकि अवशोषण की एक क्वालिटी नहीं होती है, तो वो पसीने को एक अवशोषित नहीं कर पाती हैं, और इसलिए हमें गर्मियों में पहनने में एक बहुत असहज महसूस होता है, और फिर हम उसको एक जल्दी से जल्दी अपने एक कुछ कॉटन पहनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर पर वो पसीना एक अगर कहें उसका वाष्पीकरण नहीं हो रहा, वो वही है, तो हम देखते हैं उसमें खुजली हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, और भी हमें एक स्किन प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम गर्मियों में संश्लेषित कपड़ा से बना कुछ पहने। फिर हमारा दूसरा जो आज का प्रश्न है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। तो हम प्लास्टिक पात्र के विभिन्न प्रकार के रसायनों और अन्य सामग्रियों को संग्रहित कर सकते हैं। रसायन पात में से अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्रियाशील नहीं होते हैं, और निम्नलिखित उदाहरण से ये और स्पष्ट हो जाता है। टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है, जिसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर के निर्माण के लिए कोटिंग के रूप में किया जाता है। तो इसलिए जब हम इसको कोटिंग में करते हैं, तो हम जो उसमें सब्जी बना रहे हैं कुछ है, वो खराब नहीं होती है, क्योंकि उसका उसके साथ रिएक्शन नहीं होता है। और जब अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो हम वो है उसकी प्रकृति जो है वो संक्षारक होती है, और फिर हमारा जो एक खाद्य वस्तु होती है वो खराब नहीं होती है। तो यहाँ पे इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि अपने कुछ वस्तु जो खाने की वस्तु है उनको हम प्लास्टिक में रखें, क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि जैसे कॉपर में हम हर चीज नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कॉपर का रिएक्शन हो जाता है। तो ऐसे और भी हमारे बहुत से ऐसे कहें मटेरियल है, जो एक लोहा है, तो अगर आप जैसे लोहे का तवा अगर आप देखते होंगे, यूज करते होंगे घर में जरूर, तो उसको अगर थोड़े टाइम उस पर पानी पड़ा रह जाए, तो फिर जब आप देखते होंगे आप उस पर रोटी चपाती बनाने से पहले उसको पानी से धोते हैं, क्योंकि उसमें रस्ट बन जाती है। लेकिन अगर यही टेफ्लॉन का होगा, आपको कभी वो रस्ट लेयर नहीं मिलेगी। अगर आपने अभी तक इस चीज को नहीं देखा, तो आप करके देखिएगा, घर में मम्मी से पूछिए लोहे का तवा कहाँ है, और थोड़े टाइम के लिए उसमें पानी छोड़कर रख दीजिए, देखेंगे आपको एक ब्राउन लेयर मिल जाएगी। लेकिन घर घर में इस समय नॉन स्टिक भी जरूर होगा, तो एक बार नॉन स्टिक में डाल के देखें, कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है। बेकलाइट गर्मी और बिजली का एक सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग बर्तनों के विद्युत स्विच और हत्थे बनाने के लिए किया जाता है। मेलामाइन का उपयोग फर्श टाइल्स और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है।
सो बच्चों, आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर और देखे और देख रहे हैं कि हम जो हमारे प्रश्न है तो वो एक हमें बता एक हमें आइडिया मिल रहा है कि इस जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि हर प्रश्न का उत्तर ध्यान से पढ़ें, समझें और फिर अपने आप भी थोड़ा प्रश्न उत्तर पढ़ के सोचें क्या इस पे भी कोई प्रश्न बन सकता है और फिर उसको तैयार करिए। तो अगले सेशन में एक और सेशन इसका होगा, क्योंकि आपके काफी प्रश्न और उत्तर हैं, तो एक अगला सेशन और मैं ले रही हूँ थोड़े से और प्रश्नों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।